यहाँ से तुम्हारी माँ भाग के भागते हमारे बनारस किला पहुंचा। पहुंचाने के बाद मैंने रहने के लिए मैंने घर दिया, खाने के लिए मैंने राशन दिया, पहनने के लिए मैंने कपड़ा दिया। आला सिंह को मैंने क्या किया, कनबंद में नाम लिखा दिया, आला सिंह पढ़ना चालू कर दिया। फिर तुम्हारी माँ का दिया अकबर, ये रुद्र सिंह को धोते धोते मुझे बहुत थक गया, ऐसा करके तुम अमानत ले ले। मैं बोला दस मैं मुझे अमानत दे दे रुद्र सिंह को, मैंने अमानत ले लिया रुद्र सिंह को। आला ताला ने मुझे सात हाथी का ताकत दिया था, 18 बीघा का मैंने रेंट छेड़ देता, गटका गुटका बोलो तीर तमाम सीखने वाला। मैंने रुद्र सिंह को अखाड़ा ले गया सिखाना, मैंने चालू कर दिया गटका गुटका बाना तीर। लड़ते 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 मैंने रुद्र सिंह के साथ मैंने हार गया, यानी कि सातों हाथी का ताकत मैंने रुद्र सिंह को दे दिया। मैं बोला रुद्र सिंह जो अपने धर्म गोदाम में सात बड़ी चीनी का पत्ते रखा हुआ है, दो कप का चाय बना के लेते हो ना, एक कप तुम पी लेना, एक कप मैं पी लूंगा। तूने यहाँ से गया और खाली हाथ वापसी आ गया। मैं बोला रुद्र सिंह चाय लाओ। रुद्र सिंह ने जवाब करते कहा भैया चाय कहाँ से लाएंगे, अपने गोदाम में न चीनी है न चाय पत्ती है, मैं क्या चीज करवा कर लाएंगे। मैं बोला रे बेहूदा कल तो टायर गाड़ी से मैंने सात बड़ी चीनी का पत्ते गिराया, यार क्या हुआ। रुद्र सिंह ने जवाब करते कहा भैया ये धरती फट के नीचे गया कि आसमान फट के ऊपर गया, ये कुछ पता नहीं है। मैं थोड़ा सा गर्व होकर के बोले कि क्या हुआ रे। रुद्र सिंह ने मुझे कालर थम लिया क्या है भैया, अगर ज्यादा बकवास कीजिएगा हमारे सामने तो पैर से लेकर और मस्तक तक जितना नस डालता है टोटल मैंने चुन करके काट लूंगा। काट लिया की बाकी रखा। जैसे ये बात अब्बू को कहने के लिए मैंने जा रहा, फिर तुम किधर से पहुंच गया और बोल के क्या जा रहा है कहे भैया अभी तो मैं जा रहा, अगर लौट जाएंगे तो जिंदगी उठा लेंगे। ये राज लिखा गया है, ये राज लिखा गया है बाबू आला सिंह के नाम से, ये राज लिखा गया है बाबू आला सिंह के नाम से। इसमें बेईमानी कौन किया, कौन किया? शुगर का गुलाम नीचा करके बात कीजिए, समझ गए ना? बड़े राज देने वाले बेईमान, ये राज लिखा गया फल्लामा के नाम से। राज देने के लिए जब इन लोगों को कोई नहीं मिलवा कर रखा, भटकते भुटकते आपके पास गया, नहीं लोग के तन पर बस्तर था, आपने बस्तर दिए, रहने के लिए घर दिए, खाने के लिए अनाज दिए। जब आपके राज में ये लोग कुछ दिन अपना जिंदगी गुजारा, बनारस किला से जब चल रहे थे, उसकी माँ इसके साथ में थी, जिंदी थी, उसके नाम से लिख देते राज, दोनों भाई का हिस्सा बराबर हो जाता, अन्यथा दोनों का नाम खाता खेसरा में चढ़ा देते, दोनों भाई आपस में मिलकर बांट लेते। इनके नाम से सारी संपत्ति लिख दिए है, इसका नियत बेईमान हो जाए उन लोग को हक हिस्सा नहीं देगा, तीनों प्राणी कहाँ जाएगा। ऐसे ऐसे जो करती है आलसी को दिखाएगी मुझे नहीं। देखिए भैया आप लोग पे थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने आला सिंह के नाम से मैं क्यों लिखा रहा, रुद्र सिंह के नाम से मैंने क्यों लिखा रहा, रुद्र सिंह के माँ के नाम से मैंने क्यों लिखा रहा, रुद्र सिंह पूछते में दूध के छाना बना था गोद में, रुद्र सिंह के माँ उस टाइम में बूढ़ी थी, आला सिंह उस टाइम में 5 बरस का था, आला सिंह को मैंने इसको मैं नाम लिखा दिया, आला सिंह को मैंने पढ़ाया, इसके पास अकल था बुद्धि था, मैं इसी सोच के मैंने आला सिंह का नाम से लिखा। वो बात नहीं है, कौन बात है, कौन बात है, सर से लेकर पांव तक जो नस काट लिया ना, उसी टाइम में नियत में खोट हो गई, जिस दिन में चिंते तलवार की नोक पर उठा लिया, नियत में बदमती छा गया, इसलिए इसके नाम से नहीं कुछ लिखे, इसको नहीं दिए, सब कुछ इसके नाम से लिख दिए। ये अगर अभी हम कहते हैं आला सिंह को जो अनपिटता करे ले बेईमानी जब पहले तौबा तौबा, अगर हम जबरदस्ती कहते हैं आला सिंह को तुमको देना पड़ेगा रुद्र सिंह को, अगर हो सकता कि आला सिंह अगर कोर्ट में केस कर देगा तो हम तो जेल का चक्की पीसते रहे। अरे बेईमान मां के जेल के चक्की पीसे तहत कारी लगा के लाए, तुम तो यही सोचती हो दिन में रुद्र तीनों व्यक्ति जंगल का उड़ जाएंगे, तीनों भी बीबी आता चला फिर पे रहे राजा जो पर बच्चा रे गिरा जो अनपिटता बज्जर इसी पर पट्टा के जाएगा, पिल्लू फरता पिल्लू पिल्लू कल से किस में मर जाएगा, कैंसर धरता जा कर इलाज, तुम्हारी गले से कुछ नहीं हमारे लिए लाइसेंस बना है, करुणा में मर भी आप क्या करेंगे। इधर ये लाओ हम जा रहे हैं,
अगर कुछ भी नहीं देना तो दूर डिस्मिस दे देना। जाओ रुक जाइए, कायल रुके, चाय पानी खा करके 10 डिस्मिस दिला करके उसके बाद जाइए। कौन पीरगा तुम्हारे यहाँ चेहरे, कौन पीरगा चाय, कौन मुख है घर जाओ, कौन पीरगा ना मामू देख लो ये लिख लागे छो, तू बात दिला तू, भालुओ से बत्तर मुछ है, तू बात तू लागे छे कोई मोगी खर्रा से मार लके, तू बात तू बात, तुम्हारे यहाँ कौन पीरगा चाय, तुम्हारी के पत्नी का मुंह से कच्चा पकड़ा बुला के बाप रे एकरा मुंह से मार ठीक रे टिकरी टिकरी तू बात तू बात तू बात कच्चा पकड़ा रसगुल्ला खै दे ले प्लेट में दे रिया पर जाएंगे ते तुम्हारे यहां टिकरी में निकल आए देखो ते चे मुंह देख के मेरी रात पर रानी बनी हो रानी दादा वाला रात पुरखा कर करे कर रात खौछाब ने कहे थे ने रात ई जल वाला रे राजे ले नहीं ले खौछाब ने कहे थे ने अच्छा भाई बन मा तारा रात ए बला के पुत्तर कर दो रात ए बला के दे पर बच्चा ही रह दो रात ए बला के कुल खानदान के दे पर तू बिल्ला तू बा तू तू जल्दी बताइए इसको टेक्निक अरे जाएंगे तुम्हारे यहां भीख मांगने के लिए आए फिर भीख मांग के तो मेरी रात पर रानी दीपक का मार दे पर नहीं दे वापस का मार दे मेरे कुत्ता का दांत में तोरा रानी बनियो रानी। ये देखिए भैया आप लोग को थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत अकल का बात बोल रहे हैं। आलसी को मैंने शादी कराने के लिए गए थे नैना किला, इसका पिताजी का चाय पत्ती तक का पैसा नहीं था, अपने जीवन से सब को चाय पिलाए है नाश्ता करवाए है आ शादी कर कबर घोर बना कर बराज बाबा लाए। देखिए इसका बात बात ओए मनमानी पुत्र आगे बेटा कह छे मियां झूठ नहीं बोले छे तू बात जितते गाय के ले छे देखो त तू बोल बिल्ला तू बात तू बात ते मगर हन हन पिल्लू फरल रे मक्खी लगे रे फटल का पुरन का भिक मंगा फकीर बाबा इनका गले रे तू बात लाज लागले हमरा मैं बाप का तभी टोपी तल के कर बिल्ला बंटी तल के लागे कते दिन के दादा पुरखा कहियो नहीं खेल करे 50 को मुर्दा के गिल लगा दा खा खाता फेंकई धत तू बात तू बात तू बात अल बिल्ला इधर आ तू बात पकड़ पकड़ जल्दी जल्दी पकड़ अरे रे सही आ जा बहादुर साहब हमारे तुम्हारे कोई शर्त हुई थी, शर्त मंजूर है ना? मुझे मंजूर है बस, जब मंजूर है विलंब किस बात, सारा परिवार पोशाक उतारो रास्ता ही और मिनट से पहले दरबार खाली। तू बनाई के खोल कपड़ा मेरे सामने
सांप का कपड़ा खोल और 10 मिनट के अंदर में दरबार से खाली कर। मोने मामा चांसर करेगी लेकिन जितना कह रहा उतना सुनेगी, मार खाएगी तू। नहीं खोलेगी, नहीं खोलेगी, नहीं खोलेगी तू। उतार कपड़ा, कपड़ा चल जा ग्रेड के साथ जाना है, जाओ कपड़ा लेकर उतारो। नहीं उतार, नहीं उतार। इधर इधर आइए, तू घर उधर अभी जा छिए भागे छुकिया। पहले जाने दो इसको, भेला हो गलतिया भैया। ओए भैया नहीं गले हंसे, खाली कर, मर गया तुम्हारे लिए सब। दुलारा से हो जा इतना करो उतना सुनो। ओए भैया नहीं, सब मर गया, निकाल, अकेला हूं दुनिया में। भैया हो बोला जा
शानदार 11वें पुरस्कार अदा फरमाए हैं बच्चिया को माँ भगवती की ओर से लाखों लाख धन्यवाद फरमाती हूँ। जय हिंद जय भारत। कल मैं तुझसे बार बार कर कपड़ा खोलने के लिए उतार इस दरबार में कपड़ा उतार करके फटा पुराना पिना करके निकाल भूत के सवार ले लिया न तुरंत उतर जाए बुझलिए ज्यादा मूड खराब करेंगे धर्म दादी चमड़ा बोल लेंगे न तो जितना मरने के लिए आता है नदी में डूब करके मर जाओ नहीं तो रेल में कट करके मर जाओ निकालो यहाँ से किसी की जरूरत नहीं है करछिया स्वामी ये कोई
ओए मालिक भाग निकल इसको। Yeah.
आलम बाबू, मोहम्मद आलम बाबू राजनपुर निवासी, मेरे देवर को जंगल जाने के समय पे भोजन के लिए शानदार इकामत पुरस्कार अदा फरमाए हैं। मोहम्मद आलम बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहती हूँ या खुदा तेरे दुआओं की इतना असर मिले, या खुदा तेरे दुआओं की इतना असर मिले, जब भी नजर उठाऊं तो अल्लाह से ही नजर मिले। बैग न कर जा ठंडा, आप तो छाची उच बैग लेते कहता जब बोलो पागल हो गई ना, अलग में छे सबर नहीं है यार। आज तो खुशी के माहौल खाली है, निक लागे यार। तुमको यहाँ बैठने के लिए बुला है, अपने ने कहा छे यहाँ यहाँ आओ बताइयो तो। अरे कुछ कुछ मैं कह रहा हूँ सुनेगी ना, दोनों दोनों व्यक्ति कुछ कुछ निक निक बात कर मीठी मीठी पगली। देख आज खुशी के माहौल है, अब कुछ कुछ टेंशन मुक्त हुआ। टेंशन मुक्त इसलिए हुआ है ये राज बहावा वही है ना, अभी तो सोना लग रहा है ना। अब कल के बापा ने पूता भर चंगा मुक्त सोहाना लग रहा है ना, लागे छे कमाया कर राज बहावा बने लगे। अरे हम तो उल्टा क्यों बोल रही है, उल्टा क्यों बोल रही है, उल्टा कहाँ बोले छे, तो सीधे चाहिए सीधा कहाँ बोले, हम कह रहे कुछ तुम कह रही कुछ। हाँ अग्नि करवटे भेलिए खोपड़ी और गरम है, कुछ ठंडा होता और गरम कर रही है। आ तो लहरो ले ना गरम पानी ढेर देबे तब ना चाम सब छाल में लागो तेरी जीत है वही है वो सब। अच्छा खुशी के माहौल अब भूख जगा है। आ गो मैं कौन टैबलेट के लिए, अरे टैबलेट नहीं भूख जा गया आफत गया बीमारी गया यहां से। अच्छा अच्छा ये बात है। मेरे नाम से ये राज है, खाना खाए हाँ इसलिए कह रहा हूँ आप कुछ भोजन बना के ला, पहले खाना खाएंगे उसके बाद दोनों प्राणी मिल करके अच्छी अच्छी बात। बैठो बैठो खाना ला, बैठो बैठो खाओ खाओ खाना खाओ खा लिया ये है, पेट तो भर रहे हैं। अचरा से झाड़ दियो ना, अचरा से गर्दा लागल छे फिर नहीं पेट तो भर ले छे खाते। ओ पटांग बोल रही पता चलता है अभी गर्मी गया नहीं, खाना खेबा हाँ ऐसे बोलो ना खाना खा मुहे से खेबा नहीं कहे हाँ। हमरा बुखार बोल हाँ बोल इधर हमरा काले से बुखार लागे है, तो बुखार उतारने के लिए जानता हूँ मैं, बुखार उतर जाएगा। अच्छा चलो खाना बने चल के लिए उसे डेली काय किच की चाहिए सुनिए। मेरा नाम से है ये मेरा रहता है, तीन आदमी जावे तनी को पाव पर चौर बने बे तनी से खेबे हैं। बात 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 की बात है, बचा के भूख लागे लेनो न। चलो 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 ने ये खेबे ना, किसको बोले नुनु हराम दादी, किसको नुनु बोले, शर्म नहीं आती तुमको, बच्चा का भूख नहीं लागल है ते छोरा इंदल गए। अच्छा नुनुओं को भूख लगा है ना, कहनो चलो चलो बच्चा का भूख लग गया ऐसा तो नहीं बोली तू। चलो नहीं आए निक निक चीज बनेबे जे कोई ने दुनिया में खाना है वैसे एकरा खिलेबे। ए हरम दादी इंसान तो एक ही चीज नहीं खाता, नहीं खाए मारे ये बुखारे उतार देंगे ज्यादा लबर लबर करेंगे, समझ गई फालतू बात कर गरार नहीं लागा सटासट सड़ जाती जाएगी या नहीं जाएगी। तो खाना बना खाना खाना हां खाना खा कौन मुसा ककरा ला खाना बनेबा मेरे लिए, दोनों बाबू के खाना बन खाना बन। हां आज तारीख से रे डवारो डवारो की है छा हो बना बना मस्त रो बाबू बना बना भाभी है लुच्चा है हरा में लुच्चा है बिहुदा हर वक्त लुचपनिया करेगा जब भी करेगा की है छा छा मैं पुत मैं हो फिर मार फिर मार फिर मार।